बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ऑडियंस में था और मैं सुन रहा था कि क्या डिस्कशंस हो रही है, और बड़ी ही अच्छी डिस्कशन चल रही थी। वी ऑल एंजॉयड जी, जो भी आपने कहा बड़ा टू दी पॉइंट था। और लेकिन अभी जब मुझे बुलाया तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे क्या क्या बात करनी चाहिए। बातें तो ऑलमोस्ट सब हो गई हैं, बट एज अ प्रैक्टिशनर मैं एक बात कर सकता हूँ। जो सारी यहाँ पे बातें हुई हैं थियोरी में, मैं सब कुछ में से गुजर चुका हूँ, किसी ना किसी लेवल पे मैंने ये काम किए हैं। जो सारी बातें मैंने सुनी, जो सूबों की बात भी हुई, छोटे सूबों की बात भी हुई, एजुकेशन पे भी बात हुई, पॉलिटिकल सिस्टम पे भी बात हुई, अगर मैं इसे समराइज़ करूँ तो मैं समझता हूँ दो चीज़ें मैं इसमें कह सकता हूँ कि जो असल हमारे दो मसले हैं। एक मसला ये है कि हमारे जितने भी इदारे हैं, अदलिया है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के दूसरे इदारे हैं, दे आर ऑल ओवर बर्डनड। सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में 2.5 लाख से ज़्यादा पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। 60 जज हैं, उनमें से कभी 50 होते हैं, कभी 55 होते हैं, लेकिन 60 जज हैं, वो बैठ के सुनते हैं। एक जज के पास जब लिस्ट आती है तो वो 15 केसेस, 20 केसेस, 25 केसेस रोज़ उसके पास लगते हैं। उसके पास कितना टाइम होता है एक केस को देने के लिए कि वो उसे सुने और उसके साथ इंसाफ भी करे। इसी तरह आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आप स्कूल्स में चले जाएं, अकेले पंजाब में 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और हर गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। एकड़ में स्कूल है। 2001 से ऑनवर्ड आई कैन से कि टीचर्स की भर्ती बिल्कुल मेरिट पे हो रही है, तो दे हैव बेटर क्वालिफाइड टीचर्स देन प्राइवेट सेक्टर, दे हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। काम नहीं हो रहा बिकॉज दे आर 80,000। 80,000 स्कूलों को आप लाहौर में बैठ के एक सेक्रेटरी साहब चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी भी नहीं चलेंगे, किसी की भी हुकूमत आ जाएगी नहीं चलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स आर नॉट राइट। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट्स की बात हुई, हमेशा आप देखें जब फौजी हुकूमत आती है तो लोकल गवर्नमेंट आती है, और जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो लोकल सबसे पहला जो विक्टिम बनती है वो लोकल गवर्नमेंट बनती है। मैं जब मेयर था मैं कहा करता था कि बाकी जो दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट हैं वो तो हुकूमत करने के लिए हैं, खिदमत करने के लिए अगर कोई टीयर है तो वो लोकल गवर्नमेंट है, और वो हमारी हमेशा एब्सेंट होती है। आम आदमी को काम ही लोकल गवर्नमेंट से आता है, बाकी हुकूमतों से आम आदमी को बहुत कम पाला पड़ता है, और वो लोकल गवर्नमेंट हमारी मिसिंग होती है। क्यों मिसिंग होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि होनी चाहिए। 40A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज़ के एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट, और अदालतों ने बहुत कोशिश की है, आई एग्री कि कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं हुई अदालतें। पिछली गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा प्रेशर दे के इलेक्शन करवाए, लेकिन तकरीबन एक साल तक मेयर का इलेक्शन नहीं हो सका, तो वो फंक्शनली नहीं थी। अभी आज भी कहीं भी लोकल गवर्नमेंट नहीं है, केपी में थोड़ी बहुत है, तो ये हो नहीं सका अभी तक। इसकी कोई वजह तो ज़रूर होगी। एक मसला मेरे ख्याल में ये जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि ओवर बर्डन है आपका हर इंस्टीट्यूशन, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर आप बजट उठा के देखें, मैं पिछले दिनों एक काम के सिलसिले में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बजट देख रहा था, तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो बजट अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दिया वो इतना था कि वो उसमें अपनी तनख्वाहें अदा कर सकते थे। अब एक महकमा है जिसने स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए काम करना है, उसके पास प्रमोशन का बजट ही नहीं है, उसके पास सिर्फ तनख्वाहें लेने का बजट है, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ तनख्वाहें लेगा आपके, और जिस काम के लिए उसको बनाया गया वो काम तो वो नहीं करेगा। तो ओवर बर्डन आपका हर महकमा है, हर जगह पे है। ये हल क्यों नहीं होता? मेरे ख्याल में जो इसका हल है वो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप के पास ही है। माशाल्लाह लगता है लोकल गवर्नमेंट आती है, बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी लोकल गवर्नमेंट आती है, बाज़ दफ़ा कुछ कम अच्छी लोकल गवर्नमेंट आती है, लेकिन जैसे ही माशाल्लाह जाता है वो ख़त्म हो जाती है।
जब तक आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप इन चीज़ों को फिक्स करने का नहीं सोचेगी, ये चीज़ें फिक्स नहीं होंगी। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों सोचेगी, उसको क्या ज़रूरत है ये सोचने की? इस वक्त पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं वो सारे के सारे वो लीडर्स हैं जिसको कभी ना कभी इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ी थी तो उन्हें इंस्टॉल किया गया था। ऑर्गेनिक लीडरशिप नहीं है आपके पास, ऐसी लीडरशिप नहीं है कि जो ग्रॉस रूट से चली थी, उसने परफॉर्म किया था और उस परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर लोगों ने उन्हें वोट दिए थे। कोई एक ऐसा लीडर नहीं है इस वक्त जो परफॉर्म करके अपनी लेडर पे ऊपर चढ़ गया हो, एक भी नहीं है। ऐसा लीडर कैसे आपको आपके मसले को हल करेगा जो ग्रॉस रूट से आया ही नहीं है? ऑर्गेनिक लीडरशिप हमें चाहिए, वो होगी तो आपका काम चलेगा। अभी हम तो बिल्कुल मोदी को पसंद नहीं करते, लेकिन उसका आगाज़ कहाँ से हुआ था? ही वॉज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर अगेंस्ट बाबरी मस्जिद। गांव गांव में जाके तकरीरें करता था, लोगों को उभारता था कि निकल के आओ, जुलूस में शामिल हो जाओ जिसको अडवाणी साहब लीड कर रहे हैं, और जाके मस्जिद गिराओ। ये उसका स्टार्ट था। उसने बहुत बड़ा जुलूस इकट्ठा कर लिया, गए उन्होंने मस्जिद गिरा दी। बीजेपी ने उसको गुजरात में चीफ मिनिस्टर बना दिया, उसने गुजरात को अपने तौर पे जैसे वो चाहता था उसने फिक्स कर दिया। जब इंडियन इलेक्शन 2014 का था, हम कवर करते थे उसको, सबका ख्याल ये था, इंडियन मीडिया का ख्याल भी ये था, हमारा भी यही ख्याल था कि कांग्रेस हार जाएगी और एक कोलिशन गवर्नमेंट आएगी जिसको बीजेपी लीड करेगी और अडवाणी साहब उसके प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन जब कैंपेन शुरू हुई, मोदी साहब निकले, पूरा कॉरपोरेट इंडिया उसके पीछे खड़ा हुआ और बीजेपी ने मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाई, कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनी। और अडवाणी साहब जो उनके सबसे पुराने और बड़े लीडर थे वो कहीं नज़र नहीं आए, मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। अभी आप देखें दिल्ली में, दिल्ली इज़ अ हाफ प्रोविंस, पूरा प्रोविंस भी नहीं है इंडिया का। एक आम आदमी पार्टी वहाँ पे बनी, केजरीवाल साहब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने, उसने ऐसा ट्रांसफॉर्म किया है दिल्ली में। एजुकेशन उसके पास है, हेल्थ उसके पास है, लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं उसके पास, कि हमारे प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर उनके गवर्नमेंट स्कूल्स बना दिए उसने। नतीजा क्या निकला कि अगली टर्म उसने दिल्ली में स्वीप किया, बीजेपी और कांग्रेस कहीं उसके मुकाबले पे नज़र नहीं आई जो उनकी नेशनल पार्टीज़ हैं। और उससे अगला स्टेप क्या हुआ कि वो पंजाब भी जीत गया। पंजाब की एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली नहीं है जो वहाँ पे एमपीए भी बन सकी हो, सबको उसने हराया। और अगर वो परफॉर्म कर गया पंजाब के अंदर तो वो आगे भी जाएगा। दिस इज़ ऑर्गेनिक लीडरशिप, स्टेप बाय स्टेप वो लेडर पे ऊपर चढ़े हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं तो लोग उन्हें वोट दे रहे हैं। किसी ख़ानदान की बुनियाद, अभी बात की कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही क्योंकि ख़ानदानी सियासत वहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो क्यों ख़त्म हो रही है? कि ऑर्गेनिक लीडरशिप आगे आ रही है। और दुनिया के अंदर जो एक और ट्रेंड है, कभी वो पॉलिटिकल लीडरशिप दुनिया में हमेशा मिडिल क्लास से आती है, सुपर रिच से जो लीडरशिप आती है वो आपके मसाइल क्रिएट करती है। एक आपने सुना होगा, इटली में बर्लुस्कोनी साहब आए थे, ही एंडेड अप इन अ जेल। अभी ट्रंप साहब आए थे अमेरिका में, जो अमेरिका के लिए मसले पैदा हुए। तो पॉलिटिकल लीडरशिप भी, जैसे आपके डॉक्टर्स, जैसे आपके इंजीनियर्स, ये लोग मिडिल क्लास से आते हैं। इसी तरह आपकी पूरी दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है, सुपर रिच नहीं आपके पॉलिटिकल लीडर्स होते कहीं भी दुनिया में, क्योंकि जब वो होते हैं तो वो फिर और तरह से देखते हैं। हम पहुंचेंगे कैसे यहाँ तक? हम क्या करें कि हमारे अंदर से मिडिल क्लास की लीडरशिप सामने आए, हमारी ऑर्गेनिक लीडरशिप बने? जितने भी मसले यहाँ पे बयान हुए, इससे पहले भी होंगे,
उसका हल नहीं है सवाए एक ऑर्गेनिक लीडरशिप के बगैर, कुछ भी नहीं हो सकता, बातें हो सकती, और किसी सोसाइटी में आइलैंड भी नहीं बन सकते। आप बहुत अच्छे वकील होंगे, आप बहुत अच्छी जुडिशरी बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बन सकेगी, बिकॉज यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप किसी सोसाइटी के अंदर आइलैंड क्रिएट नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि सारी सोसाइटी ख़राब है, अदलिया बहुत अच्छी है, ये नहीं हो सकता। सारी सोसाइटी ख़राब है, हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है, ये नहीं हो सकता। आपके डिपार्टमेंट्स, आपके डिपार्टमेंट्स आपकी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, जैसी सोसाइटी है वैसी रिफ्लेक्शन आपको हर महकमे में नज़र आ जाएगा। तो ये इसका हल, जैसे मैंने कहा, मैं फिर कहता हूँ, ऑर्गेनिक लीडरशिप फ्रॉम द मिडिल क्लास। अगर हम ये ले आए तो हमारा मसला हल हो सकता है। कैसे लेके आएंगे? इस सिस्टम के अंदर तो नहीं आ सकती। इस सिस्टम में जब तक एस्टेब्लिशमेंट किसी को आगे करना नहीं चाहती, कोई आगे नहीं आ सकता। मेरी इमरान खान साहब से एक दफ़ा बात हुई, उन्होंने कहा मैं 22 साल की मेरी स्ट्रगल है। मैं कहा ये 44 साल में बदल सकती थी अगर एस्टेब्लिशमेंट का नवाज शरीफ के साथ झगड़ा ना होता। तो वजह क्या बनी? ख्याल आया एस्टेब्लिशमेंट को उनको आगे लाने का, तो वो आगे आ सके। इससे पहले 22 साल नहीं आ सके। वर्ल्ड कप तो उन्होंने 92 में जीता था, शौकत खानम तो उन्होंने 95-96 में बनाया था। तो कारनामे तो सारे वो कर चुके थे बहुत पहले, लेकिन अब उस वो तो जनरेशन भी अब नहीं है जो उनको वोट दे रही है। जब उन्होंने ना वर्ल्ड कप जीता था, लोगों ने तो वो देखे ही नहीं मैच जो अब उनको वोट दे रहे हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन होगा, कैसे हम कर सकेंगे? एक बहुत अच्छी बात आपने की कि हम सूबे छोटे करने पड़ेंगे। हमें पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में वाहिद एक ऐसी फेडरेशन है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट इज़ अबाउट 60% ऑफ द कंट्री, एक फेडरेटिंग यूनिट, और वो कुर्बानियां भी देता है और गालियां भी खाता है। लेकिन क्योंकि ऐसे दुनिया में होता नहीं है, आप अकेले 60% हैं, बाकी सब मिला के 40% है। ऐसा दुनिया में ऐसी कोई एक भी मिसाल नहीं है, किसी एक भी मुल्क की मिसाल नहीं है। या तो हम बहुत अकलमंद हैं या फिर दुनिया हमसे ज़्यादा सियानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सूबे छोटे करने पड़ेंगे, मैनेजेबल सूबे छोटे करने पड़ेंगे। और जब हम मैनेजेबल की बात करते हैं तो हमारे पास जो एक सामने चीज़ आती है वो यही है कि आप डिवीजन पे सूबा लेके जाएं, ताकि तकसीम के झगड़े ना पैदा हों। अगर हम दो डिवीजन को बना के, ढाई डिवीजन को मिला के बनाने की कोशिश करेंगे, इसी झगड़े में मर जाएंगे। हमारी बाज़ डिवीजन्स ऐसी हैं जो सूबों से भी पुरानी हैं, तो लोग सेटल्ड हैं वहाँ पे, और हर कमिश्नर के नीचे पूरी गवर्नमेंट मौजूद है। ये जो आपको पंजाब गवर्नमेंट नज़र आती है या केपी की गवर्नमेंट नज़र आती है, जो सेक्रेटरीज हैं और ये इतना बड़ा जो एक पैराफर्नेलिया है, इनका रोल सिर्फ सुपरवाइजरी है। ये काम नहीं करते, सेक्रेटरी नहीं काम करता, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ये लोग नहीं काम करते। काम लोग करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स के अंदर बैठे हुए हैं, ये उनको सुपरवाइज करते हैं। तो ये इतना बड़ा जो सुपरवाइजरी जो है आपका सेटअप, ये जब चला जाएगा तो आपको इनॉर्मस सेविंग होगी एडमिनिस्ट्रेटिव सेविंग के अंदर। अगर आप डिवीजन के लेवल पर आप सूबा ले कर आएँ, आपके 31-32 सूबे पाकिस्तान में बनेंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास 31-32 बेटे भी नहीं होंगे, भाई भी नहीं होंगे। पर फोर्स उनको पॉलिटिकल पार्टी बनना पड़ेगा। इस वक्त ये सब के सब माफियाज हैं, फिर इन्हें पॉलिटिकल पार्टी बनना पड़ेगा। और आपके अगर 32 डिवीजन्स हैं, 2-4-6 लोग तो ऐसे होंगे जो परफॉर्म करेंगे, सब तो फेल नहीं हो जाएंगे। जो लोग परफॉर्म करेंगे वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आगे आएंगे।
मैं देखूंगा कि सरगोधा के चीफ मिनिस्टर ने तो यार बड़ा कमाल कर दिया, देखो लोकल गवर्नमेंट भी ले आया, एजुकेशन भी ठीक कर दी, हेल्थ को भी अच्छा कर दिया, ये तो कोई टैलेंटेड बंदा है, तो उसकी पार्टी को अगली दफ़ा मैं लाहौर में वोट दे दूंगा। कोई देखेगा कराची, जैसे अभी आपने बात की, कराची में अगर आप 30-40 हज़ार रुपया महीना टैंकर को देते हैं, इतने में तो आप कोई भी प्राइवेट कंपनी ले आए, वो समंदर में प्लांट लगाएगा और पाइपों में आपको पानी देगा, शायद 10,000-12,000 में दे दे। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि माफियाज कंट्रोल करते हैं। टैंकर चलाने वाले आम लोग नहीं हैं, वो वहाँ पे पानी आने नहीं देते। और मैंने जितना भी इसमें पढ़ा है, जितना भी गौर किया है, कराची हमारा एक शहर है कि अगर आप उसको सूबा बना दें तो मुझे ये यकीन है कि वो 10-12 साल में सही, लेकिन वो दुबई को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन बेस है और आधी दुनिया पीछे पड़ी हुई है जो लैंड लॉक्ड है। कराची की सी पोर्ट है, ग्वादर की सी पोर्ट है, जो पीछे पूरी दुनिया को फीड कर सकती है, जो सेंट्रल एशिया और रशिया तक आपको जो लैंड लॉक्ड पड़े हुए हैं, इतना पोटेंशियल हमारे इलाकों में है। लेकिन होता यह है कि आप सिंध से वोट लेते हैं, कराची में हुकूमत करते हैं, और आपको पता है कि आपको कराची से वोट नहीं मिलेगा, इसलिए आप वहाँ पे तवज्जो भी नहीं करते। तो ये द ओनली वे फॉरवर्ड मेरे ख़्याल में ये है कि आप सूबे छोटे करें, आप डिवीजन पे सूबा लेके जाएं, आप कराची को सूबा बनाएं, आप हैदराबाद को सूबा बनाएं। आप इस वक्त पाकिस्तान में अगर इस वक्त भी आप देखें, शायद कोई मैं मिस करूं, बट मोस्टली अगर मैं कहूं कराची में सूबे की तहरीक चल रही है, हैदराबाद में सूबे की तहरीक चल रही है, हम साउथ पंजाब की बात करते हैं, कोई साउथ पंजाब एंटिटी नहीं है, डी जी खान अलग सूबा बनना चाहता है, मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है, बहावलपुर कहते हैं मेरी स्टेट वापस बहाल करो, वो सूबा बनना चाहता है, पिंडी पोठोहार आपका सूबा बनना चाहता है, हज़ारा आपका सूबा बनना चाहता है, कलात आपका सूबा बनना चाहता है। तो इस वक्त कुछ हमें नज़र आ रही हैं, कुछ नहीं नज़र आ रही, लेकिन 12-14 के करीब तो ऐसी तहरीकें पाकिस्तान में चल रही हैं जो सूबा बनना चाहती हैं। तो मैं तो अपनी पोलिटिकल पार्टीज़ को कहूँगा, आपके और आपके प्लेटफॉर्म से, कि जो भी इसको अडॉप्ट करेगा, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल स्लोगन होगा कि आप सूबे छोटे करें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। इसलिए पॉपुलर होगा, जज्बाती तौर पे नहीं कह रहा, इसलिए पॉपुलर होगा कि ये एम्पावरमेंट है, आप डिवीजन के लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। आज तक हम अल्ताफ हुसैन को बुरा भला कहते हैं, उसने क्या कर दिया, लेकिन अल्ताफ हुसैन लोगों के दिलों से जा तो नहीं रहा। आज तक हम भुट्टो को बुरा कहते हैं, लेकिन वो लोगों के दिलों से जा तो नहीं रहा। इसलिए नहीं जा रहे कि इन दोनों ने अपने लोगों को एम्पावर किया, इन दोनों ने अपने लोगों को आइडेंटिटी दी है। आप कुछ भी कर लें, वो लोगों के दिलों से नहीं निकलते। आज ज़रूरत है इस बात की कि आप फैसला करें, आप इस पर डिबेट करें जितनी चाहें, फिर इस पर फैसला करें और फिर इसको ले कर आगे चलें। तो मुझे बिल्कुल ये उम्मीद है, बड़ा पुख्ता मेरा यकीन है कि पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। हमारे पास लोग हैं, हमारे लोगों में टैलेंट है, हमारी ये जगह नहीं है जहाँ पे आज हम हैं, हमें इससे बहुत आगे जाना चाहिए और इंशाल्लाह हम इससे बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू।